कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान यात्रा के चलते इंदौर में नगर निगम चुनाव का माहौल बनता नजर आ रहा है। इसी क्रम में रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर दम दिखाया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर में नगर निगम चुनाव से पहले ही कांग्रेस खासी सक्रिय दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल की कार्यकर्ता सम्मान यात्रा अब अपने चरम पर आ गई है। वार्ड वार निकाली जा रही इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ विधानसभा नंबर 5 में अपनी सियासी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। रविवार सुबह ये यात्रा सेठी नगर क्षेत्र से निकली, जहां से कार्यकर्ताओं की लंबी फौज वार्ड नंबर 44 में घूमती नजर आई। मौके पर कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल के नेतृत्व में घर घर जाकर नेताओं कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया और तिरंगा दुपट्टा पहनाकर कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। विधानसभा चुनाव में नाम मात्र के वोटों से पीछे रहे सत्तू पटेल अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए खासे सक्रिय हैं और क्षेत्र में विधायक की तर्ज पर ही जनता के घर घर दस्तक दे रहे हैं। उनकी सक्रियता को निगम चुनाव से ठीक पहले कई तरह की संभावनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है और 5 नंबर विधानसभा में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को लेकर भी ये सम्मान यात्रा बड़ी अहम मानी जा रही है। आज जिस प्रकार हमने कार्यकर्ता सम्मान यात्रा का दूसरा दिन है और निश्चित ही हम एक वार्ड एक दिन में कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता के घर जाकर और उससे उनका सम्मान तिलक लगाकर तिरंगा दुपट्टा और सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस की 1 साल की उपलब्धि जनता के बीच बता रहे हैं और ख़ास तौर से मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। और ये हमारा प्रथम चरण पूरा होने के बाद पूरे 28 वार्डों का पर हफ्ते में एक बार एक वार्ड ले रहे हैं। अगर इसमें कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई वरिष्ठ जन कोई भूल चूक वश छूट जाता है तो ये प्रथम दौर है, द्वितीय दौर भी होगा, उसमें हम उसकी पूर्ति कर देंगे। कोई भूल वश ऐसा होता है तो इसी प्रकार कार्यकर्ता सम्मान यात्रा के रूप में हमने ये वार्ड जो है 44 नंबर वार्ड में है और ये सेठी नगर से हमने शुरुआत की है। देश में संभवतः पहली कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए निकल रही इस यात्रा को अब पूरे क्षेत्र में अच्छा जनसमर्थन भी मिल रहा है और निगम चुनाव से पहले कांग्रेस में भी इसे लेकर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता अमन बजाज, दीपक मलोरिया, रघु परमार सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।